अब केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तर्ज पर एक नई योजना लागू करने जा रही है कमलनाथ सरकार। आगे बढ़ते हैं। कल हुई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए, जिनमें किसान सम्मान योजना का लाभ सभी किसानों को मिलेगा। मुरैना से सांसद और कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। समाप्त कर दिया है, अब सभी किसान इस योजना में पात्र होंगे। 2 करोड़ किसान और जुड़ जाएंगे तो यह संख्या 14.5 करोड़ हो जाएगी। अभी तक सरकार का 75,000 करोड़ रुपया इसमें लगता था, अब 12,000 करोड़ रुपया और अतिरिक्त भार आएगा। ऐसे कुल मिला के 87,000 करोड़ रुपया अब इस योजना के अंतर्गत किसानों को दिया जाएगा। किसान पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग ऐसे 12-13 करोड़ लोग हैं जो इस योजना में कवर होंगे, लेकिन पहले चरण में 5 करोड़ लोगों तक यह योजना पहुंचे और यह हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु के किसान ज्वाइन कर सकेंगे। अब इस योजना के अंतर्गत जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको 60 वर्ष पूरी करने के पश्चात 3,000 रुपया मासिक पेंशन प्राप्त होगी। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी उनकी पत्नी होंगी उनको 50% इस योजना का लाभ मिलेगा। छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, कुछ न कुछ सामान बेचने वाला है, तो इनके लिए भी जैसे किसान के लिए पेंशन है, जैसे असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन योजना है, वैसे इन वर्गों के लिए भी अलग पेंशन योजना शुरू की है। उसका रूप एक ही है और इसमें 5 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यापारी और सामान बेचने वाले छोटे दुकानदार ऐसे शामिल होंगे आने वाले 3 साल में। यह कल्पना है। कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा ये एनरोलमेंट कर सकते हैं, वही फॉर्मूला है। 18वें साल में करेंगे तो रोज 2 रुपए है, अगर 29वें वर्ष में करेंगे तो 100 रुपए महीने के है और 40वें साल में करेंगे तो 200 रुपए महीने के। और जितने छोटा व्यापारी या बेचने वाला माल बेचने वाला डालेगा उतना ही सरकार देगी। तो ऐसी दुनिया में योजना नहीं है इस तरह का पेंशन का इन वर्गों के लिए।